Good morning, students. Today we are going to read subject in standard 3, lesson number 9. Name of the lesson is The Balloon Man. This is a poem, students. Ye ek kavita hai. Now I am going to read and explain to you. He always comes on market days and whole balloons early bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between, you see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below and would look pretty in the sky. Beautiful poem. एक बहुत ही सुंदर सी ये कविता है स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक बलून मैन है जो मार्केट स्क्वायर मीन्स मार्केट के चौक में खड़ा है. आप उसका ये पिक्चर देख सकते हैं. इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा पोयम है हमारा. पोयम में ऐसा कहा गया है कि ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल बलून्स अ लवली बंच. वो हमेशा मार्केट डेज में आता है. मार्केट डेज किसे कहते हैं? जब हमारा मार्केट वो वहाँ बंद नहीं होता, जिस दिन बंद नहीं होता, जो डेज में चालू रहता है उसे हम मार्केट डेज कहते हैं. जैसे कि कोई मार्केट वेडनेसडे को बंद होता है, कोई संडे को बंद होता है. तो यहाँ पे लिखा है कि भाई वो हमेशा जो मार्केट डेज होते हैं उसमें आता है. बलून का एक गुच्छा लिए हुए, फुगो का गुब्बारों का एक बड़ा सा गुच्छा लिए हुए. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज. मार्केट स्क्वायर मतलब मार्केट में जो बाजार में जो चौक है वहाँ पे वो स्टे रहता है, खड़ा रहता है वहाँ पे. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. और हमने कभी उसे नहीं देखा कि वो अपने लंच के बारे में भी सोचता है. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज सनी डे द कार्स एंड पीपल गेट बिटवीन यू सी देम शाइनिंग फार अवे. जो बलून है कौन कौन से रंग के हैं? रेड है, लाल है, बैंगनी है, नीले हैं, हरे हैं. और जब सनी डेज होता है, तेज धूप होती है, तो कार्ट और जो लोग होते हैं, कार्ट मीन्स जो गुब्बारों वाला जो एक छोटा सा लोरी जैसा लेके खड़े होते हैं ना, उसे कहा गया है यहाँ पे. तो हम जब देखते हैं सनी डेज को, तो दूर से गुब्बारे बहुत शाइनिंग करते हुए चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं. इसमें ऑल टाइट टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, सभी एक साथ बंधे हुए हैं. एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग. और जब कभी हवा आती है तो खींचते हैं टाइट. यहाँ पे जो टग वर्ड है वो खिंचाओ, किसी चीज को जोर से खींचना. जैसे तो जब हवा लगेगी तो बलून तो एक स्ट्रिंग में बंधे, एक डोरी में बंधे, धागे में बंधे हुए हैं, तो वो खींचते हैं. यहाँ पे ऐसा बताया गया है, किसी भी तरह से वो जब तेजी से हवा आएगी तो यहाँ वहाँ वो खींचते हैं. सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई. ऐसा कभी हो कि जो बलून मैन है वो गुब्बारों को छोड़ दे, जाने दे हवा में, तो फिर हम उनको देखें कि वो आकाश में कैसे जा रहे हैं हवा में. और फिर हम नीचे से देखेंगे कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं आकाश में. रंग बिरंगे गुब्बारे जब आकाश में छोड़े जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कितने प्यारे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो पोएम है उनका जो ऑथर है वो है रोज फाइन. ऑथर का नाम हमेशा हम पढ़ेंगे, जो लेखक है, जो राइटर, राइट. अब यहाँ पे आ जाता है समरी. द पोयम द बलून मैन. द पोएट डिस्क्राइब्स अ बलून मैन. अ बलून मैन वर्क वेरी हार्ड. ही कम्स टू द मार्केट एंड होल्स अ बंच ऑफ बलून्स. ही नेवर थिंक्स टू डू लंच. ही कैरीज ब्लू, ग्रीन, रेड एंड पर्पल कलर्ड बलून्स ऑन अ सनी एंड बिजी डे. द बलून
They strike against each other. The poet wishes that one day the balloon man shall let its balloons fly up in the sky and they will look very beautiful from the ground. सेम थिंग जो हमने पोएम में रीड कर दी वही यहाँ पे समरी में दी हुई है स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमारा पोएम कंप्लीट हो जाता है और अब हम एक्सरसाइज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, पिक द करेक्ट ऑप्शंस. ए, ही ऑलवेज कम्स ऑन मंडे मार्केट डेज और संडे. सो यू हैव टू पिक ऑन मार्केट डेज. ही स्टेज इन द मार्केट स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल. यू हैव टू पिक ऑन स्क्वायर. ऑल द बलून्स टाई टुगेदर विथ अ थ्रेड रोप और स्ट्रिंग. सो यू हैव टू पिक ऑन स्ट्रिंग. दे वुड लुक प्रिटी इन द ग्राउंड स्काई और रूम. सो यू हैव टू पिक ऑन स्काई. नाउ यू कैन सी ऑल द आंसर्स ओवर हियर. नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट इट. ही ऑलवेज कम्स ऑन आंसर इज मार्केट डेज. ही स्टेज इन द मार्केट आंसर इज स्क्वायर. ऑल द बलून्स टाई टुगेदर विद द आंसर इज स्ट्रिंग. दे वुड लुक प्रिटी इन द आंसर इज स्काई. यू कैन सी ऑल द राइट ऑप्शंस ओवर हियर. कंप्लीट द लाइंस स्टूडेंट्स. यू ऑल नो कंप्लीट द लाइंस मीन्स जो पोएम के अंदर लाइंस आई है वही कुछ मिसिंग वर्ड है हमें सेम लिख दे रहे हैं. हमने यहाँ कंप्लीट ऑलरेडी कर दी है. नाउ आई विल रीड दिस. दे आर रेड एंड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन एंड व्हेन इट इज सनी डे एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई. एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टर्न एंड टर्न लाइक एनीथिंग. ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे एंड होल्ड्स बलून अ लवली बंच. Question number 2 is also over now. Question number 3 is started. Write rhyming words of the following from the poem. Rhyming word हमें यहाँ पे देने हैं. Rhyming word एक जैसे उच्चारण वाले शब्द. Sky high, string thin, day away, go below, green between, small all. Days, bunch, lunch. आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स ऑल द राइटिंग वर्ड्स ओवर हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए उन्हें हमें सेंटेंस में चेंज करना है. बलून. आई हैव टू बलून्स सनी. टुडे इज सनी डे मार्केट. आई एम गोइंग टू मार्केट. कार्ड. इट इज ब्लू कार्ड. लंच. आई हैव टेकन माय लंच. यू कैन सी ऑल द सेंटेंसेस. क्वेश्चन नंबर 5, रीड द स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे एक स्टेंजा दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स देने हैं. हु इज ही रिफर्ड टू. ही रिफर्ड टू द बलून मैन. आंसर इज ही रिफर्ड टू द बलून मैन. वेयर डस स्टे. वेयर डस ही स्टे. ही स्टे यहाँ पे द लिखा है. ही स्टे इन द मार्केट स्क्वायर. वट डज नॉट ही थिंक ऑफ. ही डज नॉट थिंक ऑफ लंच. यू कैन सी आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वेयर डज द बलून मैन स्टैंड. द बलून मैन स्टेज. द बलून मैन स्टेज इन द मार्केट स्क्वायर. What happened to the balloons? When there is a wind, the balloons turn and tug against each other. What does the child like to see the balloon man do? Sometimes balloon man let them go and they float very pretty in the sky. Question number 7 is identify the words from the jumbled letters. Write the words in the space provided. यहाँ पे
कलर इन दिस मेल। यहाँ पे आपको कितने कलर्स छुपे हुए मिल रहे हैं तो हमने ये सब आपके लिए फाइंड कर दिए हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे कि लिखा है यहाँ पे व्हाइट, तो आपको लिखना है व्हाइट, देन पर्पल है आप पर्पल लिखेंगे, रेड, जो जो आप आपको दिख रहे हैं बॉक्स में वो आपके यहाँ कलर्स के लिए लिख देने हैं स्टूडेंट्स। नंबर 9 आ जाता है, पुट द वर्ड गिवन इन द बॉक्स इन टू द फॉलोइंग ग्रुप। नेचर, विंड, स्काई, ब्लू, फूड, टर्निंग, पाइनएप्पल, राइस। कलर्स पर्पल, ग्रीन, व्हाइट, येलो, राइट। यहाँ पे हमें जो वर्ड्स थे वो लिखने थे हमारी लाइन में जो ऊपर दिए हुए हैं, तो हमने इस तरह से वो लिख दिए कि कलर्स कौन कौन से होते हैं, फूड कौन सा होता है और नेचर पे जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। नंबर 10 इज फिलिंग द ब्लैंक्स इन द बलून्स विद देयर अपोजिट, यू कैन फाइंड देम इन द पोयम। यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड लिखने थे जो हमें पोयम में मिल रहे हैं द बलून मैन में। यहाँ पे लिखा है द बलून मैन जो पोयम में आए हैं वो नेवर एवर, स्मॉल बिग, रेनिंग ड्राई, लो हाई, सिट स्टैंड नियर फार। सो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 9 द बलून मैन जो हमने पोयम रीड किया था, नाउ इट इज ओवर। वी विल मीट विथ लेसन नंबर 10 द येलो बटरफ्लाई। Till then, bye.